शांति। आज 2 जुलाई 2023 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। रिवाइज तारीख हैं 26 जनवरी 1995। मुरली का सार हैं ब्रह्मा बाप के और दो कदम, फरमान बरदार वफादार। ब्रह्मा बाप के और दो कदम, फरमान बरदार वफादार। आज बाप दादा चारों ओर के स्नेही और सहयोगी बच्चों को और शक्तिशाली समान बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सभी बच्चे हैं, लेकिन शक्तिशाली यथाशक्ति हैं। स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न पदम गुना स्नेह और सहयोग प्राप्त होता है। शक्तिशाली समान बच्चों को सदा सहेज विजयी भव का रिटर्न मिलता है। मिलता तो सभी को है। स्नेही बच्चे यथा शक्तिशाली होने के कारण सदा सहेज विजय का अनुभव नहीं कर पाते। कभी सहेज कभी मेहनत, बाप दादा स्नेही बच्चों को भी मेहनत को सहेज करने का सहयोग देते हैं, क्योंकि स्नेही आत्माएं सहयोगी भी रहती ही हैं। तो सहयोग के रिटर्न में बाप दादा सहयोग जरूर देते हैं, लेकिन योग यथार्थ न होने कारण सहयोग मिलते भी प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। योग द्वारा ही सहयोग का अनुभव होता है और शक्तिशाली समान बच्चे सदा योगयुक्त हैं। इसलिए सहयोग का अनुभव करते सहज विजयी बन जाते हैं। लेकिन बाप को दोनों ही बच्चे प्यारे हैं। प्यार और सदा विजयी रहने की शुभ चाहना सभी बच्चों में रहती है, लेकिन शक्ति कम होने के कारण समय पर और सर्व शक्तियाँ कार्य में नहीं लगा सकते। बाप वर्षे के अधिकार में सर्व शक्तियों का अधिकार सभी बच्चों को देते हैं। अधिकार देने में बाप दादा अंतर नहीं रखते, सभी को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं, लेकिन लेने में नंबरवार बन जाते हैं। बाप दादा किसको स्पेशल किसको अलग ट्यूशन देते हैं क्या? नहीं देते। पढ़ाई सबकी एक है, पालना सबकी एक है। पांडवों को अलग पालना हो, शक्तियों को अलग हो, ऐसे है क्या? सबको एक जैसी पालना और पढ़ाई है, लेकिन लेने में रिजल्ट में कितना अंतर हो जाता है। कहा अष्टरत्न और कहा 16108 रत्न, कितना अंतर है? यह अंतर क्यों हुआ? पढ़ाई और पालना को वरदानों को धारण करना और कार्य में लगाना, इसमें अंतर हो जाता है। कई बच्चे धारण भी कर लेते हैं, लेकिन समय प्रमाण कार्य में लगाना नहीं आता है। बुद्धि तक बहुत भरपूर होंगे, लेकिन कर्म में आने में फर्क पड़ जाता है। ब्रह्मा बाप नंबर 1 क्यों बना? 2 कदम पहले सुनाए हैं ना। 3. सदा बाप शिक्षक और सदगुरु के फरमान बरदार बने, हर फरमान को जी हाजिर किया। बाप का फरमान है सदा सर्व खजानों के वर्षे में संपन्न बनना और बनाना। तो प्रत्यक्ष देखा कि सर्व खजाने ज्ञान शक्तियाँ गुण श्रेष्ठ समय श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक कार्य में लगाया। लास्ट दिन भी समय संकल्प बच्चों प्रति लगाया। ज्ञान का खजाना याद की शक्ति और सहनशीलता के गुण का स्वरूप, यह सब खजाने
लास्ट समय तक शरीर को भी भूल सेवा में प्रैक्टिकल में लगाकर दिखाया। तो इसको कहा जाता है फरमान बरदार नंबर वन बच्चा, क्योंकि बाप का विशेष फरमान यही है कि याद और सेवा में सदा बाप समान रहो। तो आदि से लेकर अंत घड़ी तक दोनों ही फरमान प्रैक्टिकल में देखा ना, स्नेह की निशानी है फॉलो करना। तो चेक करो आदि से अब तक सर्व खजानों को स्व के साथ साथ सेवा में लगाया है। बाप का फरमान एक श्वास व संकल्प सेकेंड व्यर्थ नहीं गवाना है। तो सारे दिन में ये फरमान प्रैक्टिकल में लाया वा कभी लाया कभी नहीं लाया। अगर कभी कभी फरमान बरदार बने और कभी नहीं बने तो किस लिस्ट में जाएंगे? अगर बाप दादा फरमान बरदार की लिस्ट निकाले तो आप किस लिस्ट में होंगे? अपने को तो जानते हो ना, क्योंकि आप सभी सर्व खजानों के ट्रस्टी मालिक हो। तो एक संकल्प भी बिना बाप के फरमान के यूज नहीं कर सकते हो। या सोचते हो कि हम बालक सो मालिक हैं, इसलिए व्यर्थ गवाए या क्या भी करे, इसमें बाप का क्या जाता है? बाप ने दे दिया, अभी हिसाब क्यों लेते हैं? नहीं, आप रोज बाप के आगे कहते हो कि सब तेरा मेरा नहीं है। कहते हो ना कि टाइम पर मेरा और टाइम पर तेरा। जब हमारा मतलब हो तो मेरा वैसे तेरा, ऐसी चतुराई तो नहीं करते हो। ब्रह्मा बाप को देखा, अपना आराम का समय भी विचार सागर मंथन कर बच्चों के प्रति लगाया। रात्रि में भी जाग कर बच्चों को योग की शक्ति देते रहे। ये चरित्र तो सुने हैं ना, ब्रह्मा की कहानी सुनी है ना, फॉलो फादर किया कि सिर्फ सुन लिया? सुनना अर्थात करना। तो तीसरा कदम सदा जी हाजिर, सदा हजूर हाजिर और नाजिर। कभी ब्रह्मा बाप से शिव बाप अलग नहीं हुए, हाजिर नाजिर रहे ना। बच्चों ने कहा बाबा और बाप ने कहा मीठे बच्चे, तो मन की स्थिति में सदा हाजिर और नाजिर अनुभव किया। सेवा में सदा जी हाजिर किया, चाहे रात हो चाहे दिन हो, सेवा का डायरेक्शन मिला और प्रैक्टिकल किया। और कर्म में सदा हाजी किया, हाजी का पाठ पढ़ाया ना। तो आप क्या फॉलो करते हो? कभी हाजी कभी नाजी तो नहीं करते? तो प्यार का सबूत दिखाओ। ऐसे नहीं सोचो कि जितना बाबा से मेरा प्यार है उतना और किसका नहीं। मेरे दिल में देख लो, क्या दिखाओ क्या सुनाओ। बच्चे ऐसे गीत गाते हैं, लेकिन सबूत दिखाओ। सबूत है फॉलो फादर। तो चेक करो स्थिति में, सेवा में, कर्म अर्थात संबंध संपर्क में, यानी संबंध और संपर्क में आना ही कर्म है। तीनों में सदा फॉलो फादर है। हर फरमान सिर्फ बुद्धि तक रहता है या कर्म में भी आता है? रिजल्ट में देखा जाता है कि अगर बुद्धि और वाणी में 100 बातें रहती हैं तो कर्म में 50 हैं। तो उन्हों को फॉलो फादर कहें, अधूरी रिजल्ट वालों को फॉलो फादर की लिस्ट में रखें। आप क्या समझते हैं? वे फरमान बरदार हैं कि आप आधे में राजी हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर पसंद है? शुरू शुरू में माला भी बनाते थे, गोल्डन सिल्वर की लिस्ट भी निकालते थे। तो
तो अभी फिर से लिस्ट निकाले कि सिल्वर में नाम देखकर कॉपर बन जाएंगे। समय की सूचना बाप तो दे ही रहे हैं, लेकिन प्रकृति भी दे रही है, प्रकृति भी चैलेंज कर रही है। तो समय के प्रमाण आप लोग औरों को भी सूचना देते रहो। भाषणों में सबको कहते हो कि समय आ गया है, समय आ गया है, तो अपने को भी कहते हो या सिर्फ दूसरों को कहते हो? दूसरों को कहना तो सहज होता है ना, तो स्वयं भी ये चैलेंज स्मृति में लाओ। समय के प्रमाण अपने पुरुषार्थ की गति क्या है? बाप दादा एक बात पर अंदर ही अंदर मुस्कुराते रहते हैं। किस बात पर मुस्कुराते हैं जानते हो? एक तरफ मेजॉरिटी बच्चे कभी कभी एक सेकंड ये सोचते हैं कि समय प्रमाण पुरुषार्थ में तीव्रता होनी चाहिए, और दूसरे तरफ जब माया अपना प्रभाव डाल देती है तो दूसरे सेकंड ये सोचते हैं कि यह तो सब चलता ही है, ये तो महारथियों से भी परंपरा चला आता है, तो बाप दादा क्या करेंगे? गुस्सा तो नहीं करेंगे ना, मुस्कुराएंगे। और इसका विशेष कारण है कि समय प्रति समय पुरुषार्थ तो बहुत सहज कर दिया है, इजी कर लिया है। स्वभाव को इजी नहीं करते, स्वभाव में टाइट होते हैं और पुरुषार्थ में इजी हो जाते हैं, फिर सोचते हैं सहज योग है ना। लेकिन जीवन में पुरुषार्थ में इजी रहना, इसको सहज योग नहीं कहा जाता, क्योंकि इजी रहने से शक्तियां मर्ज हो जाती हैं, इमर्ज नहीं होती। आप सभी अपने ब्राह्मण जीवन के आदि का समय याद करो। उस समय कैसा पुरुषार्थ रहा? इजी पुरुषार्थ रहा या अटेंशन वाला पुरुषार्थ रहा? अटेंशन वाला रहा, उमंग उत्साह वाला रहा। और अभी अलबेलेपन के दनलप के तकिए और बिस्तरे मिल गए हैं, साधनों ने आराम पसंद ज्यादा बना दिया है, तो अपने आदि के पुरुषार्थ, आदि की सेवा और आदि के उमंग उत्साह को चेक करो। क्या था? आराम पसंद थे? नहीं। और अभी थोड़ा थोड़ा है। साधन सेवा के प्रति है, साधन स्वयं को आराम पसंद बनाने के लिए नहीं है। तो अभी डनलप का तकिया और बिस्तरा निकालो, पटरानिया बनो, पटराने बनो। भले पलंग पर सो, लेकिन स्थिति पटरानी पटराने की हो। देखो आदि सेवा के समय में साधन नहीं थे, लेकिन साधना कितनी श्रेष्ठ रही। जिस आदि की साधना ने ये सारी वृद्धि की है, तो साधना के बीज को विस्तार में छिपा नहीं दो। जब विस्तार होता है तो बीज छिप जाता है, तो साधना है बीज, साधन है विस्तार, तो साधना का बीज छिपने नहीं दो। अभी फिर से बीज को प्रत्यक्ष करो। बाप दादा ने इस सीजन में काम दिया था, लेकिन किया नहीं। याद है क्या दिया था? कि कॉपियों में है। काम दिया था कि बेहद के वैराग्य वृत्ति पर स्वयं से भी चर्चा करो और आपस में भी चर्चा करो, और प्रैक्टिकल में इस साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। तो किया कि एक दिन सिर्फ डिबेट कर ली, वर्कशॉप तो हो गई लेकिन वर्क में नहीं आई। तो वर्तमान समय के प्रमाण अभी अपनी सेवा व सेवा स्थानों की दिनचर्या बेहद के वैराग्य वृत्ति की बनाओ। अभी आराम की दिनचर्या मिक्स हो गई है, ये अलबेलापन
शरीर की छोटी छोटी बीमारियों के भी बहाने बनाता है। पहले भी तो बीमारी होती थी ना, लेकिन सेवा का उमंग बीमारी को मर्च कर देता है। जब कोई आपके दिल पसंद सेवा होती है तो बीमारी याद आती है। अगर आपको इंचार्ज बहन कहे नहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं है, दूसरे को करने दो तो करने देंगे, उस समय बुखार या सिर दर्द कहाँ चला जाता है। और जब सेवा कोई पसंद नहीं होगी तो क्या होगा, सिर दर्द भी आ जाएगा तो पेट दर्द भी आ जाएगा। सुनाया है ना कि अगर बहानेबाजी में बुखार कहेंगी तो टीचर कहेगी कि थर्मामीटर लगाओ, लेकिन पेट दर्द और सिर दर्द का थर्मामीटर तो है ही नहीं। मूड ठीक नहीं होगा और कहेंगे कि पेट दर्द है, तो ये अलबेलेपन के बहाने हैं। बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज हो गई है और बहानेबाजी इमर्ज हो गई है। बाप दादा देख रहे थे कि सभी बच्चे बहुत स्नेह से मधुबन में पहुंच गए हैं, तो स्नेह तो दिखाया, उसकी मुबारक हो। बाप दादा को भी बच्चों की खुशी देखकर खुशी होती है, लेकिन आगे क्या करना है, सिर्फ मधुबन तक पहुंचना है या स्नेह का सबूत दिखाने के लिए फरिश्ते रूप में वतन में पहुंचना है, क्या करना है। मधुबन में पहुंचे उसकी मुबारक है, लेकिन फरिश्ता बन वतन में कब पहुंचेंगे। चलते फिरते आप सभी को फरिश्ता ही देखें, बोल चाल रहन सहन सब फरिश्तों का बन जाए। और फरिश्ते का अर्थ ही है डबल लाइट। तो दिनचर्या में लाइट नहीं बनना है, लेकिन संबंध संपर्क में स्थिति में लाइट। तो लाइट बनना आता है कि बोझ खींचता है। बाप दादा स्नेह का सबूत देखना चाहते हैं, और जब स्नेह का सबूत देंगे तो आपको तालियां बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन माया भी ताली बजाएगी। वाह विजयी वाह, प्रकृति भी ताली बजाएगी। तो अभी कुछ परिवर्तन करो, अभी स्वयं को स्नेह के साथ शक्तिशाली बनाओ। स्वयं के परिवर्तन में शक्ति रूप बनो। सहज योगी करके अलबेलापन नहीं लाओ। बाप दादा देखते हैं कि स्व प्रति चाहे सेवा प्रति चाहे औरों के संबंध संपर्क प्रति अलबेलापन ज़्यादा आ गया है। ऐसे नहीं सोचो कि सब चलता है, एक दो को कॉपी नहीं करो, बाप को कॉपी करो। दूसरों को देखने की आदत थोड़ी ज़्यादा हो गई है, अपने को देखने में अलबेलापन आ गया है। बाप दादा ने सुनाया था कि नज़दीक की नज़र कमज़ोर हो गई है और दूर की नज़र तेज़ हो गई है, तो अभी क्या करेंगे, सीज़न का फल क्या देंगे। कि सिर्फ बाप आया मिला मनाया मुरली सुनी ये फल है, हर सीज़न का फल होता है ना। तो इस सीज़न का फल बाप दादा को क्या भोग लगाएंगे। भोग लगाते हो तो फल भी रखते हो ना, वो तो बाजार में मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब इस सीज़न का फल क्या भेंट करेंगे या भोग लगाएंगे, लगाना है या मुश्किल है, तो देखेंगे कि नंबर वन भोग कहाँ से आता है। वायदा तो बहुत अच्छा करके जाते हो, कभी भी ना नहीं करते हो, हाँ ही करते हो, खुश कर देते हो, लेकिन अभी क्या करेंगे। टीचर्स नंबर वन भोग लगाएंगी ना, सभी सेंटर्स का भोग देखेंगे। प्रवृत्ति वाले भी भोग तो लगाते हो ना कि खुद ही खा जाते हो, तो ये नहीं सोचना कि सिर्फ सेंटर वालों का काम है,
सभी का काम है, तो फरमान बरदार का कदम प्रैक्टिकल में लाना है। चौथा कदम है वफादार। कभी भी मन से, बुद्धि से, संकल्प से बाप के बेवफा नहीं बनना। वफादार का अर्थ ही है सदा एक बाप, दूसरा न कोई। संकल्प में भी देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ व देहधारी व्यक्ति आकर्षित नहीं करे। जैसे जब पति पत्नी एक दो के वफादार बनते हैं, तो स्वप्न में भी अगर पर यानी दूसरे की याद आ गई तो वफादार नहीं कहा जाता। तो ब्रह्मा बाप को देखा, संकल्प में भी दूसरे के तरफ नहीं, एक बाप सब कुछ है, इसको कहा जाता है वफादार। अगर पदार्थ की भी आकर्षण है, साधनों की भी आकर्षण है, तो साधना खंडित हो जाती है, वफादारी खंडित हो जाती है। और खंडित कभी भी संपन्न पूज्य नहीं गाया जाता है। तो चेक करो कि संकल्प में भी कोई आकर्षण बेवफा तो नहीं बना देती। अगर जरा भी किसी के प्रति विशेष झुकाव है, थोड़ा भी पर्सनल झुकाव है, चाहे गुण के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे अच्छे संस्कारों के ऊपर भी अगर एक्स्ट्रा प्रभावित हैं, तो वफादार नहीं कहा जाएगा। सबकी विशेषता बेहद की विशेषता पर आकर्षित है, वो दूसरी बात है, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति व वैभव के ऊपर आकर्षित है तो वफादार की लिस्ट में खंडित गाया जाएगा। तो चेक करो कि खंडित मूर्ति तो नहीं है, पूज्य है, कहा एक्स्ट्रा लगा व झुकाव तो नहीं है। संकल्प मात्र भी झुकाव नहीं, वाचा कर्म ना की तो बात ही छोड़ो, लेकिन संकल्प मात्र भी है तो खंडित के लिस्ट में आ जाएंगे। तो चेक करना आता है ना। अच्छा, चारों ओर के स्नेह का सबूत देने वाले हर फरमान को संकल्प, बोल और कर्म में लाने वाले सदा स्वयं को बाप समान सिंपल और सैंपल बनाने वाले ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले ऐसे शक्तिशाली बाप समान बनने के दृढ़ संकल्पधारी सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की सिखिलते रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। आज का वरदान है साक्षीपन की स्थिति द्वारा हीरो पार्ट बसाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। साक्षीपन की स्थिति द्वारा हीरो पार्ट बसाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। विश्लेषण है साक्षीपन की स्थिति ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बसाने में सहयोगी बनती है। अगर साक्षीपन नहीं तो हीरो पार्ट बजा नहीं सकते। साक्षीपन अर्थात देह से न्यारे आत्मा मालिकपन की स्टेज पर स्थित रहे। देह से भी साक्षी मालिक, इस देह से कर्म कराने वाली ऐसी साक्षी स्थिति ही सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है, क्योंकि इस स्थिति में किसी भी प्रकार का विघ्न या मुश्किलात नहीं आ सकते। यह है मूल अभ्यास। इसी अभ्यास से लास्ट में विजयी बनेंगे। आज का स्लोगन है फरिश्ता बनना है तो अपने सर्व रिश्ते एक प्रभु के साथ जोड़ लो। फरिश्ता बनना है तो अपने सर्व रिश्ते एक प्रभु के साथ जोड़ लो। अच्छा, ओम शांति।